Hello guys, welcome back to our channel Mission Critical. This is the third video of our subject DTSP of our series Engineering Teaching. From this video onwards, we will be preferring Hindi as per audience demand, but don't worry guys, the content will also be captioned in English. तो गाइस आज हम पढ़ेंगे DFT के प्रॉपर्टीज के बारे में. तो जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था कि ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ चार ही प्रॉपर्टीज ली है, लिनियरिटी, शिफ्टिंग, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड कन्वोल्यूशन. तो गाइस शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ जो है लिनियरिटी. कंसिडर कीजिए हमारे पास एक टाइम फंक्शन है x1 ऑफ n विद अ कॉन्स्टेंट a1. तो अगर हम इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें मिलेगा x1 ऑफ k इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विद द सेम कॉन्स्टेंट a1. अब कंसिडर कीजिए कि हमारे पास दो फंक्शंस है टाइम डोमेन में. अगर हम इन दोनों का सम कर दें कुछ ऐसे और टी और उसका ट्रांसफॉर्म निकाले तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे. ये होती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी. तो गाइस अगली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सैंपल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ के जिसका ऑर्डर है 5, मतलब कि 5 सैंपल्स. और अगर बाय एनी चांस इनमें से कोई भी एक सैंपल मिसिंग होता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये प्रॉपर्टी काम में आती है, जिसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग सैंपल्स के साथ कोई भी एक मिसिंग सैंपल ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. आइए आपको बताता हूँ कैसे. कंसिडर कीजिए कि हमारे पास थर्ड सैंपल यानी कि पोजीशन नंबर 2 का सैंपल मिसिंग है. तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे. यहाँ पर हम पुट करेंगे पोजीशन वैल्यू. थर्ड सैंपल है उसकी पोजीशन वैल्यू हमेशा 2 होती है, तो कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे भी आएगा वही चीज, ये 5 है ऑर्डर, तो 5 - 2 विल बी 3. तो थर्ड सैंपल पोजीशन नंबर 3 पे जो सैंपल है यानी कि फोर्थ सैंपल, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इसकी वैल्यू. और गाइस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब हमेशा सिर्फ इमेजिनरी टर्म्स की साइन चेंज होगी, रियल टर्म की नहीं, और वो सेम की सेम वैल्यूज यहाँ रिपीट होगी एज इन लाइक दिस. सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज हुई है, रियल की नहीं. तो गाइस अगली प्रॉपर्टी जो हम सीखेंगे वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब हमें ओरिजिनल सैंपल का तो DFT निकालना आता है, मैट्रिक्स मेथड है, फॉर्मूला मेथड है. बट अगर कोई सैंपल शिफ्ट होके आ रहा है या फिर जल्दी आ रहा है या डिलेड हो रहा है तो उसकी DFT कैसे निकालें वो हम सीखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले तो ये है एक्स ऑफ एन, ये है हमारा ओरिजिनल सैंपल विद ऑर्डर 4, और x1 ऑफ एन है ओरिजिनल का शिफ्टेड सैंपल. अब वो जल्दी आ रहा है या डिलेड आ रहा है वो हमें पता चलेगा यहाँ से. अब 2 ये बताता है कितने नंबर्स से ये शिफ्ट हुआ है, और ये प्लस माइनस बताएगा कि ये डिलेड है या जल्दी आया है. अगर नेगेटिव है मतलब ये शिफ्ट होगा राइट की तरफ. बेसिकली शिफ्ट होगा मतलब ये अपने आप में ही वैल्यूज गोल घूमेंगे, बट किस डायरेक्शन में घूमेंगे ये हमें साइन से पता चलेगा. तो सपोज अगर नेगेटिव है और 2 पोजीशन से शिफ्ट हो रही है तो हमारे ओरिजिनल सैंपल के लास्ट के 2 वैल्यूज फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, और फर्स्ट 2 सैंपल्स राइट की तरफ 2 पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे. तो हमारा x1 ऑफ n अगर नेगेटिव है तो सैंपल होगा 3 4 1 2. और सपोज अगर साइन पॉजिटिव है तो वैल्यूज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगी, और 2 पोजीशंस हैं इसलिए पहले 2 वैल्यूज राइट में आ जाएंगी और ये 2 वैल्यूज लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे. सेम केस 3 4 1 2 हमारा शिफ्टेड सैंपल होगा. अब गाइस शिफ्टेड वैल्यू की DFT निकालनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिसमें x ऑफ k तो होगी ओरिजिनल सैंपल की DFT, जिसमें एडिशनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा ये जो कि है e^j 2π k. k होगा पोजीशन नंबर जो यहाँ से मिल जाएगा, इंटू प्लस माइनस a. प्लस माइनस इसके ऊपर डिपेंड करेगा गाइस, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस. a होगी ये वाली वैल्यू, n तो हमें पता है कि ऑर्डर है. गाइस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ,
जिसको हम कह सकते हैं सर्कुलर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल सैंपल है जिसके ऑर्डर है 4, वैल्यूज है 1, 2, 3, 4। अभी हम इसे एक सर्कल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑर्डर चार है तो चार डिविजन्स। 0 पोजिशन पे होगा सबसे पहला वैल्यू, 90 पे दूसरा वैल्यू, 180 पे तीसरा वैल्यू और 270 पे चौथा वैल्यू। अब जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कहा था कि अगर नेगेटिव साइन है तो वो राइट में शिफ्ट होगा और पॉजिटिव साइन है तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। यहाँ पे हमें करना कैसे है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए पहला शिफ्टेड वैल्यू, जिसमें हम देखते हैं कि 4 फर्स्ट पोजिशन पे है और बाकी सारे वैल्यूज एक पोजिशन से राइट में शिफ्ट हुए हैं, यानी कि हमें 4th फर्स्ट पोजिशन पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को इस पोजिशन में घुमाएंगे एक पोजिशन से, तो आ जाएगा 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कुछ ऐसे। अब सिंस कि ये राइट में शिफ्ट हुई है एक पोजिशन से, इसलिए ये रिप्रेजेंट होगी कुछ ऐसे, यानी कि x1 ऑफ n, x ऑफ n -1। अगर हम इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें राइट शिफ्ट नहीं करना है तो हम लेफ्ट शिफ्ट करके 4 को इस पोजीशन पे ला सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 1, 2, 3 तीन शिफ्टिंग के बाद 4 हमें यहाँ मिल जाएगा। बट सिंस हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो साइन आएगा पॉजिटिव, तो अगर xn माइनस वन नहीं चाहिए तो xn ऑफ 3 ले सकते हैं। सिमिलरली x2 ऑफ n, x3 ऑफ n भी हमने निकाल के रखा है। बट x4 ऑफ n ये थोड़ा ट्रिकी है, ऑब्वियसली गाइस मुंबई यूनिवर्सिटी है, इजीली नहीं छोड़ेगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि 4, 6, 4, 6 ये किसी भी सैंपल से नहीं मेल खा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनमें से कोई दो सैंपल्स का एडिशन है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि x1 ऑफ n और x3 ऑफ n को अगर हर एक वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ये वैल्यू, लाइक दिस, x ऑफ n, x3 ऑफ n, 1 प्लस 3 विल बी 4, 2 प्लस 4 विल बी 6, 3 प्लस 1 विल बी 4, 4 प्लस 2 विल बी 6। एंड बाय द वे सॉरी गाइस, मैंने पहले x1 बोल दिया, वो x1 नहीं x ऑफ n है, x ऑफ n और x ऑफ 3 इन दोनों का एडिशन देगा हमें x4 ऑफ n। अब शिफ्टेड वैल्यूज तो हमें मिल जाती है, इसकी DFT कैसे निकालनी है वो हमने पहले वैल्यू में आपको बता दिया था। तो गाइस अगली प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि टाइम डोमेन में अगर हम दो सैंपल्स को कॉन्वॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो दो सैंपल्स सिंपली मल्टीप्लाई होगी। तो हमें यही चीज करनी है यूजिंग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दो सैंपल्स हैं, इन्हें हमें कॉन्वॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम दोनों को इंडिविजुअली DFT कर देंगे, फिर दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा x ऑफ k। अब इसकी IDFT निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक वैल्यू जो कि होगी इन दोनों की कॉन्वॉल्व की हुई वैल्यू, दैट्स इट। तो गाइस अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले ये दो फॉर्मूलाज आप ध्यान से देख लीजिए, ये DFT, ये IDFT, जिसमें x ऑफ k इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू l-1, x ऑफ n ये होगा अपना टाइम डोमेन वाला वैल्यू इंटू e^-j2πkn बाई ऑर्डर, और ये IDFT का फॉर्मूला x ऑफ n इक्वल्स टू 1/n समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n-1 x ऑफ k e^j2πkn बाई कैपिटल n। गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूरा इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए, कॉपी डाउन कर लीजिए। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है पार्सेवल्स थ्योरम, और ये है पार्सेवल्स थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूफ करेंगे टेकिंग LHS। यहाँ पे हमारे पास है x² ऑफ n, अब इनको हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास होंगे दो x ऑफ n's, जिसमें से एक को हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग इनवर्स DFT फार्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे, इस x ऑफ k को और इस x ऑफ n को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसे, और बाकी की सारी चीज़ें होगी कैरी फॉरवर्ड ऐसे। अब अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो
तो सिर्फ एक नेगेटिव साइन की कमी है, नहीं तो ये पूरा फॉर्मूला होता है DFT। और मैंने कॉन्जुगेट के बारे में एक चीज़ कही थी, सिर्फ इमेजिनरी चीज़ की साइन चेंज होती है, तो अगर हम वो चीज़ केस कंसिडर करें तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ DFT। तो DFT एंड कॉन्जुगेट ऑफ DFT अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ये टर्म, बाकी सारी चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर दी तो हो गया प्रूफ पार्सेवल्स थ्योरम। ये सॉल्व एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इसे, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसे।